अब मैं जिनको आवाज देने जा रहा हूं, अपनी तालीम की बदौलत आपको विश्वास हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा दी उसमें पूरे देश में दूसरे नंबर के आए, एक बार जोरदार तालियां आज के मुख्य अतिथि जी के लिए। और वैसा ही काम आपने लॉ में किया तो लॉ में भी मुंबई यूनिवर्सिटी में दूसरे क्रमांक पे पास हुए। ऐसे ऐसे आदरणीय जनाब पीयूष गोयल साहब को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। हवा चले ना चले, लोग इंतजार में हैं, खुली हुई हैं खिड़कियाँ मकानों की। एक बार जोरदार तालियों के बीच में जनाब पीयूष गोयल साहब को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मौलाना जी को सुनने के बाद तो शायद मुझे बोलने के बदले उन्हीं को और बुला लेना चाहिए, इतना आनंद आया। अभी अभी आपने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है तो बैठे बैठे याद आ गया, तो मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं तभी पूरे देश का निर्माण होता है, तभी ऐसा बढ़िया माहौल बनता है कि आप मुझे भी यहाँ बुलाते हैं, इतने बड़े बड़े महानुभाव आपके यहाँ पे आते हैं, अरुण तिवारी जी भी हमें बताते हैं कि उनको उर्दू कितनी अच्छी तरीके से आती है। और वास्तव में जब मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र और वास्तव में एक ऐसे शख्सियत जिनको मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ, जफर सरेशवाला जी जो चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के, जब इन्होंने एक कार्यक्रम की कल्पना रखी तो मुझे एक मिनट नहीं लगा स्वीकार करने में, लेकिन एक जरूर चिंता हुई, मैंने कहा साइंस सिटी का ये ऑडिटोरियम, इसमें मुझे बुलाओगे कौन आएगा मुझे सुनने यहाँ पे और किसको आप यहाँ पे इकट्ठा करोगे। तो उन्होंने कहा आपने तालीम की ताकत नहीं देखी है। तो वास्तव में आज सफर भाई आपने तालीम की ताकत दिखा दी और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी अभी हम सबको सौभाग्य मिला मौलाना कल्बे सादिक जी को सुनने का। आप वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, लेकिन मैं समझता हूँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचारक और इस्लामिक धर्म के एक प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में जिस प्रकार से आपने पूरे समाज को एक दिशा दिखाई है हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। आप शिया हैं सुन्नी हैं ये वास्तव में जरा भी अहमियत नहीं रखता है, मैं समझता हूँ मौलाना साहब आप हम सबके हैं और उसी में आपकी ताकत है और उसी में हम आपसे कुछ सीखते हैं। आपने जिस तरीके से लगभग कई दशकों तक समाज को प्रेरणा दी है, समाज को एक दिशा दिखाई है, उसके लिए मैं समझता हूँ भारत देश आपको नमन करता है और आप इसी तरीके से समाज में सभी लोग मिल के चलें और साथ ही साथ तालीम की ताकत जो शायद आस्ते आस्ते समाज में पहुंच रही है लेकिन थोड़ी और तेजी लाने की आवश्यकता है, उसमें आपका मार्गदर्शक जफर भाई को हम सबको मिलते रहे, ऐसी मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। महबूबुल हक जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात यहाँ पे रखी। वास्तव में ये इनका एक परिचय जो रहता है, ये भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जो काम था उसको जिस प्रकार से आगे करते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ आप उनकी किताबों को भी ट्रांसलेट करने में लगे हुए हैं। और मैं आपकी किताबें देख रहा था अभी, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त कर रहा था तो बहुत ही आनंद आया पढ़ के कि किस प्रकार से आपने और आपके काम ने एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट, एक तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में
एक मैसेज भेजा है और नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वांचल इलाके हैं भारत के, वो एक ऐसा हीरा है भारत का जिसको शायद अभी तक बाकी भारत ने पहचाना नहीं है। और आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे इतना काम किया, आपके एडुक्लूशन अवार्ड का भी मैं पढ़ रहा था और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि सिंगापुर जाके आपको सम्मानित किया गया कि आपने एजुकेशन के साथ साथ उसको इंक्लूसिव बनाने का काम किया कि समाज में हर व्यक्ति तक तालीम पहुंचे, एजुकेशन शिक्षा का काम बढ़े। ये खास तौर पे पूर्वांचल में जाके करने का जो आपका काम है, मैं समझता हूँ बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और आपको हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके काम में। मौलाना शमशुद्दीन मोहम्मद जी ने तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही की, मैं समझ नहीं पाया आपके आपने जो कुरान का वर्स सुनाया। मैंने कुरान जरूर पढ़ी है लेकिन वो लॉ कॉलेज में 30 वर्ष पहले पढ़ी थी, अब इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है अलग अलग वर्सेस, लेकिन इतना जरूर मुझे याद है कि मुझे कुरान में किधर भी कोई भी आपत्तिजनक विषय या कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं मिली थी। और जब लॉ कॉलेज में हमें सीखने का मौका मिला तब वास्तव में ध्यान में आया कि भारत में अगर हम सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के एक दूसरे को सहायता करते हैं, मिलजुल के दुख सुख में एक दूसरे को कंधा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है विश्व में से, कोई आके हमें अगवा नहीं कर सकता, हमारे सही रास्ते को हमारे रास्ते में बाधा नहीं ला सकता। और अगर हम सब मिलके जिस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम में सभी मिलके एक मैसेज दे रहे हैं पूरे समाज को, एक बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छी तालीम ही समाज को समृद्ध बना सकती है, समाज को सशक्त बना सकती है और समाज को एक आत्मनिर्भर बना सकती है। और अगर हम सब अपने अपनी मेहनत से, अपने अपने छोटे छोटे कामों से इस मैसेज को समाज के हर वर्ग तक ले जाएं और उसमें हम सब सफल हो जाएं एक बार, तो मैं समझता हूँ भारत को विश्व शक्ति बनने का जो वास्तव में उसका सही स्थान है, एक विश्व गुरु का, विश्व शक्ति का जो भारत का सही स्थान है, उसको हमें हासिल करने में कोई भी कभी रोक नहीं पाएगा। अरुण तिवारी जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मुंबई से आते हैं, हम दोनों ने एक ही बैंक में काम किया है कई वर्षों पहले, और आपकी बातें सुन के मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में अगर कोई भी बच्चा किसी भी धर्म का हो या समाज के किसी भी वर्ग से आए, उसको पढ़ाई, उसको अच्छी तालीम मिलने में जो बैंकों की ताकत है, जो बैंक ऋण दे सकते हैं, एजुकेशन लोन दे सकते हैं, जिस प्रकार से बैंक कौशल विकास में हमारी सहयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से बैंक जो लगभग हर घर तक पहुंचे हैं, आखिर आपने जो 20 करोड़ अकाउंट जनधन योजना में खोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उन सब घरों तक अगर तालीम की ताकत का मैसेज भी पहुँचाना हो, उन सब घरों तक ये सीख देनी हो कि अगर हम सब अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा के एक मौका देते हैं समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनने का, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा योगदान भारत के बैंकिंग सेक्टर का और कोई नहीं हो सकता है। हम आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि बैंक बहुत अच्छा काम करती है बैंकिंग के क्षेत्र में, लेकिन समाज सुधार में भी आपके जो ब्रांचेस हैं देश भर में फैले हुए हैं, मैं समझता हूँ 1,00,000 के ऊपर ब्रांचेस हैं, इसके माध्यम से भी इस मैसेज को हर घर तक पहुँचाना। और मुझे पूरा विश्वास है जब आपने अकाउंट खोले, आपने किसी का धर्म नहीं पूछा, आपने किसी की आमदनी नहीं पूछी, आपने सबको अकाउंट दिया। इसी प्रकार से अगर अच्छी शिक्षा हम सबको दे पाते हैं, और मौलाना
हक जी के मैं इस मैगजीन में एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था जो आपने मैंगो ट्री की कहानी लिखी है। कोई एक व्यक्ति एक पेड़ उगा रहा था जिसमें आगे चल के शायद अच्छे आम बन सकते हैं, तो एक व्यक्ति ने आते जाते कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हो। उसने कहा मैं ये पेड़ इसलिए लगा रहा हूं कि आगे चल के इसमें बहुत अच्छे बहुत ही स्वादिष्ट आम बने। तो व्यक्ति कहते हैं पर आप तो शायद ही जिंदा रहोगे जब तक ये पेड़ बड़ा होगा और आम देने लायक रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हक साहब की किताब से पढ़ रहा हूं। तो व्यक्ति कहते हैं जब मैं छोटा था, जब मेरी छोटी आयु थी, तब मैंने भी एक बहुत अच्छे पेड़ के स्वादिष्ट आम का स्वाद लिया था, उसका मजा आनंद लिया था। आज वो पेड़ नहीं है लेकिन मैं ये पेड़ लगा के जाना चाहता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी जो आएगी उसको इस पेड़ से अच्छे स्वादिष्ट आम मिल सके। तो मैं समझता हूं कलबे साहब हो, हक साहब हो, शमशुद्दीन जी हो, जफर भाई हो या प्रोफेसर रतन जी हो, जिन्होंने रतन हंगलू जी हो, जिन्होंने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद के भार को संभालने के साथ ही अलाहाबाद में जो अमन शांति जो एकदम अच्छे सुचारू ढंग से उस यूनिवर्सिटी का कामकाज भी संभाला, इन सभी महानुभावों का अगर एक सपना है, अगर एक इच्छा है, अगर दिल में एक तमन्ना है, तो वो तमन्ना है कि किस प्रकार से इस देश का हर व्यक्ति, हर समाज का अंग, हर धर्म का व्यक्ति कैसे अच्छी तालीम प्राप्त कर सके, कैसे समाज का एक अच्छा अंग बन सके, कैसे समाज में अच्छी अपनी योगदान दे सके, कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो, अपनी आमदनी करे, समाज पे बोझ नहीं लेकिन समाज का हीरा बन सके। मैं समझता हूं इस मंच के सभी की अगर मंशा एक है तो वो मंशा है कब भारत में 100% व्यक्तियों को अच्छी तालीम मिले, कब भारत में 100% व्यक्तियों को अच्छा कौशल, अच्छा हुनर मिले, उनका कौशल विकास हो, उनको नौकरी या उनको कुछ काम करने के साधन बने, साधन मिले। इस तमन्ना में मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए हम सब भाई बहन आपसे प्रेरणा लेते हैं। आप सभी महानुभाव का जो दिया हुआ संदेश है उस संदेश को आज यहाँ से लेके जाएंगे और अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने भाई बहन रिश्तेदार मित्रों में ये अगर हम आज का संदेश पहुंचा पाए तो मैं समझता हूँ जफर भाई की, आप सभी ऑर्गेनाइजर्स की इतनी जो मेहनत गई है आज के इस सफल कार्यक्रम को करने में, ये वास्तव में मेहनत फल लाएगी, ये वास्तव में मेहनत को सही अगर कोई रिवॉर्ड होगा तो वो ये रिवॉर्ड होगा कि यहाँ पे बैठे हुए 2500 भाइयों और बहनों की ये जिम्मेदारी बने कि आज यहाँ हम 2500 बैठे हैं लेकिन ये 2500 की जो ताकत है वो ताकत एक पूरे मुल्क को बदल सकती है। वैसे अगर यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के मोबाइल फोन को खोला जाए और उसमें जितने मोबाइल नंबर मिलेंगे उनका आकलन किया जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपके बैठे हुए हमारे सब भाई और बहन मिलके ही शायद 10-12-15 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ अपने मोबाइल फोन को खोल के अगर उस मोबाइल फोन में जितने लोगों के नंबर नाम हैं, उन तक भी हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं तो शायद 10-15 लाख लोग तक पहुंच सकते हैं और फिर वो चेन रिएक्शन जो डोमिनो इफेक्ट उसका हो सकता है, मैं समझता हूँ इस देश में एक परिवर्तन, एक क्रांति ला सकता है। तो मैं आपके तालीम की ताकत को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा मंच तैयार किया है। इस मंच के माध्यम से संदेश देश भर में आप दे रहे हैं। आपने बताया आपने ये कई अलग अलग स्थानों पे ये कार्यक्रम कर चुके हैं आप, अगला कार्यक्रम शायद गुवाहाटी में, आसाम में करने की कल्पना है आपकी। इस कार्यक्रम को किस प्रकार से देश भर में पहुंचाया जाए
आखिर मुझे जहाँ तक याद आता है, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि अगर हर धर्म का जो फोकल पॉइंट है वो अगर नॉलेज बन जाता है, इल्म, इल्म बिकम्स द फोकल पॉइंट ऑफ एवरी रिलीजन, तो इस देश में से सभी गलत परंपराएं को हम खत्म कर सकते हैं। और क्यों ना हर भाई और बहन के हाथ में एक अपने धर्म की किताब हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, एक हाथ में अपने धर्म की किताब हो तो एक हाथ में कंप्यूटर हो, और कंप्यूटर की ताकत से हम अपने दिमाग और अपनी समझ को एक तरीके से आधुनिक बनाए, और अपने धर्म की किताब से हम अपनी वैल्यू सिस्टम्स को, हमारी मॉरल वैल्यूज को सुधारें। और अगर ये दोनों की ताकत मिल जाती है, एक धर्म की और एक अच्छे तालीम की, तो मैं समझता हूं जितनी गलत काम इस देश में, इस दुनिया में हो रहे हैं, उन सब का सामना, उन सब के सामने लड़ाई लड़ने की ताकत हम सब में आ जाएगी। पैसा आता है, पैसा जाता है, कभी कोई अमीर होता है, कभी गरीबी देखनी पड़ती है, लेकिन जैसे साइकिल चलाने की अपनी क्षमता कभी कोई व्यक्ति भूलता नहीं, एक बार साइकिल चलाना सीख जाए तो जिंदगी भर साइकिल चला सकते हैं, वैसे ही अगर तालीम हम अपने छोटे बच्चों को, भाइयों बहनों को अच्छी तालीम देने में सफल हो गए एक बार, तो गरीबी हो, अमीरी हो, नौकरी मिले नहीं मिले, कारोबार चले नहीं चले, लेकिन अपनी जो तालीम की ताकत है उससे व्यक्ति कभी भी समाज में खड़ा रह सकेगा, समाज का एक अच्छा अंग बन सकेगा, समाज में बोझ ना बनते हुए समाज की ताकत बन सकेगा। और मैं समझता हूं इसी प्रकार से अगर आज कई वक्ताओं ने अमन और शांति की भी बात की, मिलजुल के रहने की बात की, बात की कैसे अच्छी शिक्षा हर वर्ग तक पहुंच सके, तो मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने बात रखी थी कि अगर भारत और पाकिस्तान भी, हिंदू और मुसलमान भी, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हम सब मिलके ये तय कर लें कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम गरीबी से लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम अज्ञात से लड़ाई लड़ेंगे, इग्नोरेंस से लड़ाई लड़ेंगे, हमें लड़ाई लड़नी होगी तो हम बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेंगे, हमें लड़ाई लड़नी होगी तो समाज की जो गलत परंपराएं हैं उनसे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपस में अमन और शांति के साथ रह के भारतवर्ष को और अच्छे सुचारू ढंग से भारत की विकास और प्रगति का मार्ग बनाएंगे, हम सब मिलजुल के इस देश को और सशक्त बनाएंगे और शक्तिशाली बनाएंगे। और मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि पूरा देश मिलके ये तय कर ले कि पूरे देश में एक भी व्यक्ति, उसकी एक समय तय करी जा सकती है, 5 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, हम ये तय कर ले कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसको अच्छी तालीम नहीं मिले, जिसका हुनर नहीं डेवलप हो, एक कौशल विकास सभी को मिले, और उसके बलबूते पे आगे आने वाले दिनों में हम ये निश्चित करें कि हर व्यक्ति एक आत्मनिर्भर बने, अपने पांव पे खड़ा हो, उसको अच्छी नौकरी मिले, अच्छे काम करने का साधन मिले। मुद्रा योजना बैंकों ने चलाई है, अरुण जी भी अपने बैंक से देते होंगे ऋण, हर व्यक्ति को मौका मिले कि वो समाज में अपने आप खड़ा हो सके, अपने पांव पे खड़ा हो सके। मुद्रा की बात से एक छोटी बात आखिरी में रख के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं जयपुर गया था एक बार सिर्फ रिक्शा पुलर्स के पीड़ा को समझने के लिए, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं ऐसे लोगों की पीड़ा देखने के लिए। हमारे मित्र हैं वहां, वकील हैं, उन्होंने मुझे जयपुर बुलाया था। वॉल्ट सिटी के बाहर स्टेशन के नजदीक कुछ रिक्शा चलाते हुए लोगों को मैं मिलके बातचीत करने शुरू करी। एक व्यक्ति का मुझे एकदम
पग आंख के सामने आता है, मुसलमान व्यक्ति था, पूरे बदन पे फेफड़े हुए हुए थे, सिर्फ पजामा पहना हुआ था, गर्मी बहुत थी, बदन पे कुछ पहना नहीं था, फोड़े हुए हुए थे पूरे बदन पे। मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? बोले स्टेशन से सवारी लेके आया हूँ। तो मैंने मेरे आंख के सामने देखा था एक महिला गई थी, मैंने कहा कितने पैसे मिले? बोले 5 रुपए मिले 1.5 किलोमीटर का जर्नी के बाद। मैंने कहा क्यों आप इस गर्मी में इस धूप में ऐसी साइकिल चला रहे हो? साइकिल बाबा आदम के जमाने की थी, कम से कम 20-25 वर्ष पुरानी साइकिल होगी, टायर में ना रबर था ना हवा थी, बस शायद टायर का स्ट्रक्चर था। और आप समझ सकते हैं अगर साइकिल में हवा ना हो, रबर का टायर अच्छा नहीं हो, तो कितनी मेहनत लगती है उस साइकिल को चलाने में। तो कितनी मेहनत करके वो वहां आया होगा मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो मैंने कहा आपकी दिन में आमदनी कितनी होती है? कहते हैं कभी साहब 100 रुपए हो जाती है, कभी 150 रुपए हो जाती है। मैं कहा उसमें आप घर कैसे चलाते हो? और जहां तक मुझे याद है किधर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से ही था, शायद पश्चिम बंगाल का ही व्यक्ति था, जो उनके लहजे से मुझे समझ में आया था। उन्होंने कहा कि मैं लगभग दिन में एक बार रोटी खाता हूँ, खाना खाता हूँ, जिसमें 20-25 रुपए खर्च होते हैं, रात को फुटपाथ पे सोता हूँ, दिन भर साइकिल चला के सेठ के पास, जो जिसके जिसकी मलकियत थी उस रिक्शा की, सेठ को 30 रुपए रात को जाके देता हूँ, साइकिल छोड़ता हूँ, साइकिल रिक्शा, और फुटपाथ पे सो के अगले दिन फिर रिक्शा लेने जाता हूँ। और इससे बचा के 100 रुपए रोज, कभी 50 रुपए रोज, कभी 80 रुपए रोज जो बचते हैं वो अपने गांव मनी ऑर्डर भेजता हूँ अपने बाल बच्चों के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मेरे लिए इतना एक टर्निंग पॉइंट था मेरे खुद के जीवन का, ये समझने में कि हम सबकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस देश के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति। मैंने कहा ये अगर 30 रुपए आप रोज देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण सीधा कैलकुलेशन आ जाती है माइंड में, मैंने कहा साल में आप 10-11 हजार रुपए तो सिर्फ इसकी किराया दे देते हो, साइकिल का, रिक्शा का, नई साइकिल इससे सस्ते में 8-10 हजार रुपए में तो नई साइकिल रिक्शा मिल जाती है, तो आप नई साइकिल रिक्शा खरीद क्यों नहीं लेते हो? ये करीब 3-3.5 साल पहले की बात है। बोले साहब हमको कौन बैंक में घुसने देगा, मतलब अपनी तरफ देख के उसने बताया, कौन बैंक में हमें घुसने देगा? मैंने कहा नई स्कीम्स हैं, DRI स्कीम है आपकी बैंक की, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कम ब्याज पे गरीब व्यक्ति को 10,000 या कितने रुपए तक लोन मिल सकता है, ऐसे स्कीम पे आप क्यों नहीं लेते हो? बोलते हैं साहब बैंक में जाएंगे तो पहले बोलते हैं 2,000 रुपए रखो फिर आपको लोन मिलेगा, हमारे पास 2,000 रुपए कहाँ से आएंगे जिससे मैं लोन ले सकूं? और मैं समझता हूँ उस दिन का जो दृश्य था और जो पीड़ा मैंने देखी वो कभी मैं जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। और मुझे बताया जाता है कि आज भी इस देश में, मुझे कलकत्ता का पता नहीं पर दिल्ली तक में साइकिल रिक्शा बड़े पैमाने पर चलती है, और शायद हजारों लाखों लोग आज भी वहां स्टेशनों के आसपास साइकिल रिक्शा चलाते हैं और इसी प्रकार से 30-25-40 रुपए किराया देके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यही पीड़ा, और जैसा आपने कहा एक चाय बेचने वाले को ही समझ में आ सकता है कि गरीब की पीड़ा क्या है, उस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने वो मुद्रा योजना की कल्पना की, जिस मुद्रा योजना से आज व्यक्ति को बिना कोलैटरल, बिना कोई चीज गिरवी रखे या कोई उसके पास कोई कोलैटरल होए बगैर, बिना कोई गारंटी के, बिना कोई गारंटर के, बिना कोई मार्जिन मनी के, उसको 2,000 रुपए मार्जिन मनी बिना देना पड़े, ऐसे व्यक्ति को भी आज मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सकता है, am I right? और उस योजना के तहत जो लोन मिलेगा मेरे ख्याल से 50,000 रुपए तक तो 0 मार्जिन पे, और फिर 5 लाख तक, फिर 10 लाख तक, अलग अलग स्कीम के द्वारा, जिससे वो अपने पांव पे खड़ा हो सके
और यही रिक्शा वाला अगर एक अच्छी नई रिक्शा खरीद पाए उस 10,000 रुपए के लोन से बिना कोई मार्जिन दिए, तो एक साल में तो पूरा लोन भी पूरा कर देगा और आगे जो पैसा बचेगा उससे मैं समझता हूं वो व्यक्ति भी अपने एक बच्चे के लिए अच्छी तालीम दे पाएगा, उस बच्चे को एक समाज का अच्छा सिपाही बना पाएगा और अच्छी शिक्षा के साथ उसका भविष्य उज्जवल कर पाएगा। तो मैं समझता हूं सबकी जिम्मेदारी है, जिसके पास साधन की कमी है वो साधन जुटाने में हमारे पास आए, सफर भाई जैसी संस्थाओं के पास आए, बैंकों से ऋण मिल सकता है, कई अच्छे गुरुकुल है, कई अच्छे मदरसे हैं जहां पे पढ़ाई हो सकती है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को अच्छी तालीम मिले, अच्छी तालीम के साथ साथ ही भारत में हर व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनेगा और अच्छी तालीम और अच्छी चरित्र के साथ मैं समझता हूं देश के निर्माण के कार्य में हम सब जुट जाएं, यही अपेक्षा यही आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।